नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री ई मुद्रा लोन के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो योजना है 2015 के अंदर चलाई गई थी। इस योजना के तहत जो छोटे मोटे व्यापारी है या फिर अपना नया बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहता है तो इस योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं, और इस लोन का जो अमाउंट है आप 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वही बैंक आपका ये लोन आपको प्रोवाइड करवाता है। प्रधानमंत्री ई मुद्रा लोन को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। इन तीनों कैटेगरी के अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी का नाम रखा गया है वो शिशु लोन है। इस लोन के अंतर्गत आप 50,000 रुपये तक का लोन अपने बैंक से ले सकते हैं। और इसके लिए जो दूसरी कैटेगरी रखी गई है किशोर लोन, इस कैटेगरी के अंदर आप 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो तीसरी कैटेगरी रखी गई है वो है तरुण लोन, इस कैटेगरी के अंदर आप 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। अगर आपका व्यापार बड़ा है, आपका बिजनेस बड़ा है, तरुण लोन कैटेगरी के अंदर आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप किस प्रकार ई मुद्रा लोन के तहत लोन ले सकते हैं, इस लोन को चुकाते टाइम आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाली है यानी कि आपका क्या ब्याज लगने वाला है, और जितना आप लोन लेते हो वो लोन आपको कितने टाइम में वापस चुकाना पड़ता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। और ये लोन आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे हैं ई मुद्रा लोन लेने के, जिसमें ऑनलाइन तरीके बहुत सारे बताए गए हैं और ऑफलाइन तरीका बहुत ही कम बताया गया है। तो मैंने सोचा आपको मैं आज की इस वीडियो में बिल्कुल ऑफलाइन तरीका बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार ई मुद्रा लोन के लिए ऑफलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हो तो इससे अच्छा रेस्पॉन्स आपको ऑफलाइन में मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते हो ऑनलाइन के अकॉर्डिंग आपको ऑफलाइन में अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करके ही बताऊं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए सर ऑनलाइन लोन किस प्रकार लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करें। तो इसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट डेडिकेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूं कि आप किस प्रकार इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे तो आप ई मुद्रा लोन की ऑफिशियल साइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहां पर आने के बाद में सबसे पहले आपको कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस नजर आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि ई मुद्रा लोन को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है शिशु लोन, किशोर लोन एंड तरुण लोन। शिशु लोन के तहत आप 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं और किशोर लोन के तहत आप 50,000 से 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। और अगर आपका व्यापार बड़ा है, आपका बिजनेस बड़ा है, तो आप यहां पर 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप जो भी लोन लेना चाहते हैं उसी लोन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहां पर जैसे शिशु लोन पर क्लिक करते हैं। हम जैसे यहां पर शिशु लोन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर 3 प्रकार के फॉर्म डाउनलोड करने के ऑप्शन आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर 3rd नंबर का जो फॉर्म है डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। आपको ये लोन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वही सारी चीजें आपको इस फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए पहले हम यहां पर जो जो एलिजिबिलिटियां हैं, जो जो यहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए इस फॉर्म को हम यहां पर डाउनलोड करते हैं। और डाउनलोड करके जैसे इस फॉर्म को हम यहां पर ओपन करेंगे तो आप यहां पर देखोगे जो जो रिक्वायरमेंट है इस लोन को लेने की, वो सारी रिक्वायरमेंट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास में आपकी एक गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की हुई आईडी होनी चाहिए, जिसके अंदर सेल्फ अटेस्टेड वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा इश्यू की हुई कोई भी आईडी हो सकती है। इसके बाद में आप 2nd नंबर ऑप्शन पे देखोगे आपका जो एड्रेस प्रूफ है, वो एड्रेस प्रूफ आपके पास में एक आईडी होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी चलेगा और आपका जो टेलीफोन का बिल है वो भी यहां पर चलेगा, और साथ ही साथ आप यहां पर देखोगे बैंक की पासबुक भी चलेगी और यहां पर जो आपका एड्रेस सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा, यानी कि इसी प्रकार गवर्नमेंट द्वारा कोई भी एड्रेस आईडी इश्यू की हुई हो वो यहां पर चलेगी। इसके बाद में आप जो 3rd नंबर का ऑप्शन देखोगे यहां पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिसेंट फोटोग्राफी। जो लोग भी इस लोन के लिए आवेदन कर रहा है, जो भाई इस लोन के लिए आवेदन कर रहा है, उसकी 2 फोटो होनी चाहिए, पर जो फोटो है वो 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में यहां पर 4th ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है आपके पास में कोई भी जो काम करते हैं, अपना छोटा मोटा व्यापार करते हैं,
उनके लिए आपके पास में कुछ मशीनरी आइटम होने चाहिए। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे आपके पास में जो आप बिजनेस करते हैं उसका कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके बिजनेस का लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। और इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे प्रूफ ऑफ कैटेगरी एससी एसटी, आपके पास में आपकी जो कैटेगरी है आप एसटी से पढ़ते हैं या ओबीसी पढ़ते हैं वो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, इससे कि आपका लोन चुकाते टाइम कुछ सब्सिडी टाइप से कुछ रियायत मिल सकती है। इसके बाद में आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे नो प्रोसेसिंग फीस, यानी कि इस लोन के लिए यानी कि ये लोन लेने के लिए आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फीस वसूली नहीं जाएगी। और ये जो रीपेमेंट करने का टाइम है वो आपको यहाँ पर 5 साल तक का मिलने वाला है, जितना भी आपको लोन मिलेगा वो आपको 5 साल के अंदर वापस चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात रहती है कि जो आप लोन चुकाओगे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, ब्याज कितना लगने वाला है, ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके बैंक के ऊपर कि आप किस बैंक से ये ई मुद्रा लोन ले रहे हैं। अगर आप SBI बैंक से ई मुद्रा लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग लगने वाला है। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं जैसे HDFC, ICICI, उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग लगने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर यूको बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग लगने वाला है, क्योंकि आपके ये बैंक पे डिपेंड करता है कि आपका बैंक आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने वाला है। बेसिकली मैं आपको बता दूं ये गवर्नमेंट लोन होता है तो इस पर आपको ज्यादा ब्याज देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लोन लेने के लिए हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है। आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म शिशु लोन, सिंपली हम यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्लिक करेंगे। और आप तरुण लोन और किशोर लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सेकंड नंबर वाला फॉर्म डाउनलोड करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर शिशु लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो शिशु लोन के लेने के लिए सिंपली हम यहाँ पर शिशु लोन का जो फॉर्म है वो डाउनलोड यहाँ पर कर लेंगे। ये फॉर्म आपको PDF में मिलेगा, आपको इस फॉर्म को PDF में डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये फॉर्म डाउनलोड करके आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को प्रिंट करवा लेना है, प्रिंट करके इस फॉर्म को आपको निकलवा लेना है और फिर आपको इसको ऑफलाइन ही फिल करना है। अब आप यहाँ पर ऊपर ही ऊपर देखोगे एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है और आपको यहाँ पर डेट फिल करनी है। डेट वही फिल करनी है जिस डेट में आप लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद में आपको अपना बैंक का नेम यहां पर फिल कर देना है, आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं वो बैंक का नाम आपको यहां पर फिल कर देना है। यहां पर आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देनी है। इसके बाद में आप यहां पर देखोगे आपको सारी अब बेसिक डिटेल आपको इस फॉर्म में फिल कर देनी है। एप्लीकेंट का नाम, जो भी आपका नाम है वो कंप्लीट नेम आपको यहां पर फिल कर देना है। आपके जो पिताजी, आपके जो फादर का नेम है वो फादर का नेम आपको यहां पर कंप्लीटली फिल कर देना है। आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहां पर कंप्लीटली फिल कर देना है और साथ ही साथ आपका जो बिजनेस एड्रेस है वो बिजनेस एड्रेस भी आपको यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ कंप्लीटली यहां पर फिल कर देनी है। यहां पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना है, आप मेल है या फीमेल है। यहां पर आप अपनी एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 10th पास है या 12th पास है। इसके बाद में यहां पर आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। KYC डॉक्यूमेंट्स में आप अपने वोटर आईडी कार्ड नंबर यहां पर लिख सकते हैं, आपके आधार नंबर आप यहां पर लिख सकते हैं या फिर आप अपने लाइसेंस यहां पर लिख सकते हैं या फिर गवर्नमेंट द्वारा कोई भी अदर आईडी इशू की हुई है उसके नंबर आप यहां पर लिख सकते हैं। और जो आईडी के नंबर आप यहां पर लिखोगे उस आईडी की भी आपको एक फोटोकॉपी करवा लेनी है। और यहां पर आप देखोगे लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पर्पज की, आप किस पर्पज से ये लोन ले रहे हैं वो पर्पज आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में आप यहां पर देखोगे आपका जो कॉन्टेक्ट है आप अपना मोबाइल नंबर यहां पर दे देना है, आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी आप यहां पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है एनुअल सेल्स ऑफ इन लेक, आपका जो बिजनेस है उससे आप कितनी सेल करते हैं उसका अमाउंट आप यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर देखोगे स्किल सर्टिफिकेट एक, अगर आपके पास में कोई स्किल्स सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो सिंपली आपको यहां पर उसका नाम फिल कर देना है। और अगर आपके पास में कोई भी स्किल सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है तो आपको इस सेक्शन को ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जो भी है। इसके बाद में आप यहां पर देखोगे आपको कितने लोन की जरूरत है वो अमाउंट आपको यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद में लास्ट में आपका जो अकाउंट नंबर है जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उस बैंक में जो आपका अकाउंट है वो अकाउंट नंबर आपको यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपकी ब्रांच का नेम, आपका बैंक का नेम आपको यहां पर फिल कर देना है और आप जितना लोन लेना चाहते हैं वो लोन की राशि भी आपको यहां पर फिल कर देनी है। जिस तारीख को आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोन की डेट आपको यहां पर लिख देनी है। आपका जो पैलेस है, आपकी जो सिटी है वो आपको यहां पर लिख देना है।
लोन एप्लीकेशन नंबर आपको ब्लैंक छोड़ देना है और वही आप अपने बैंक से कितना लोन रिसीव करना चाहते हैं वो लोन की राशि भी आप यहां पर लिख सकते हैं। लास्ट में आपको यहां पर पहले तो डेट लिख देनी है और आपकी जो सील साइन है वो सिग्नेचर आपको कर देने हैं। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आप अपना अंगूठा भी रख सकते हैं। ये सब कुछ फिल करके आपकी जो आईडी है गवर्नमेंट द्वारा इश्यू की हुई आईडी है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया या फिर साथ ही साथ आपके जो बिजनेस का सर्टिफिकेट है वो हो गया, ये दोनों तीनों चीज इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी है। और अटैच करने के बाद में आपका जो बैंक में अकाउंट है उस बैंक में आपको जाना है और ये फॉर्म सबमिट करवा देना है। बैंक वाले आगे की कार्रवाई खुद कंप्लीट कर लेंगे, जो भी काम बैंक वालों को करवाना होगा वो सारा काम बैंक वाले आपसे करवा देंगे और आपके इस फॉर्म को अपने बैंक में सबमिट कर लेंगे। इसके बाद में जो भी रेस्पॉन्स दिया जाएगा वो बैंक की तरफ से दिया जाएगा, बैंक वाले आपसे खुद कॉल करेंगे या फिर जो भी रेस्पॉन्स होगा वो बैंक के द्वारा आपसे मिल जाएगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये लोन लेने के लिए आपको ज्यादा टाइम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हो तो मात्र 5 से 6 दिन के अंदर ही ये लोन की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों आपका कोई कंफ्यूज कोई सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं इसका ऑनलाइन वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसका ऑनलाइन वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नए हेल्पफुल वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।